तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शैंक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत 8:30 को हो रही है। कहाँ जा रहा हूँ ये रास्ते में बताता हूँ। पूरा भाई चश्मे में फॉग हो गया, मतलब पेट्रोल बता लेता हूँ कि पेट्रोल का भरोसा है नहीं, आधा हो गया। हाँ तो गाइस, पेट्रोल भी एकदम जमाजम मुँह तक भर दिया भाई। थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा भाई रास्ते में, तो बराबर हो जाएगा। तो भैया इस टाइम की बात कर ले तो 59 मिनट्स रखने वाला है। 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। तो एस्टिमेट अराइवल बता रहे 9:29 और अभी कुछ लगभग हो रहा है 8:28 हो रहा है। और अभी खाली मिलना चाहिए रोड ऐसे तो अपेक्षा है। क्योंकि अब बात कर लेते हैं गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ड्रोन सर्टिफिकेशन का आज तीसरा दिन है, मतलब 2 दिन थियोरी हुआ, आज प्रैक्टिकल है। थोड़ा बहुत सिमुलेशन करेंगे हम, तो वो अगर चांस मिला तो आपको वो भी दिखाता हूँ मैं। पैंट की तो वाट लग जाएगी गाइस, पैंट की वाट लग जाएगी। और थोड़ा पानी अपने ऊपर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत आ रहा है भाई, देखो। वाह ठीक है, बाइक से चले हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम। अब वेदर की बात कर ले तो गाइस वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब राइडिंग के लिए लायक है। अब बारिश ना हो यही है, पहुँच जाओ तो फिर कितने बारिश हो तो कोई नहीं। और अभी हम चलने वाले हैं अपने फेवरेट रास्ते पे। बारिश होने के बाद जो हरा भरा दिखता है ना भाई, सीनिक हो जाता है। देख रहे सब जगह एकदम हरियाली छा गई है, मस्त लग रहा है। और ऐसा गाड़ी चलाने में मज़ा आया, ऐसा वेदर होना नेक्स्ट लेवल मज़ा है भैया। देखो अपना गाड़ी लेके जा रहे काम करने के, मस्त। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत स्पीड ब्रेकर गतिरोधक है आगे। स्टॉप, ऐसा तगड़ा बारिश होने वाला ना नेक्स्ट लेवल पूछो मत। देखो इतना काला बादल छाया ना, पता नहीं गोप्रो में कितना आ रहा, बट भाई नेक्स्ट लेवल बादल छाया देख रहे हो। वैसा लग रहा मैं केदारनाथ की तरफ पहुँच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम होता था वहाँ पर। जब भी मैं केदारनाथ जा रहा था तो ऐसे गीले गीले मिट्टी पर चलाना पड़ता था। थोड़ा बहुत यहाँ पर मिट्टी है क्योंकि भाई ट्रक का आवन जान यहीं से है मेन बात, तो वैसे ही फीलिंग आ रहा है। लेकिन बारिश से कड़क होने वाले मेरे को इतना ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना बादल छाया है ना पूछो मत भाई। ट्रैफिक की तो बात ही मत करो, सुबह सुबह वहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक लग गया। अच्छा हो ये जाने के टाइम भाई बहुत खाली है, अब आगे मालूम पड़ेगा कितना खाली है। चालू दिन है मतलब वीकडेज है, तो कोई ऐसा टेंशन होने वाला नहीं है कि सब आते हैं यहाँ पर, हम जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है गाइस मेरी तो लगने वाली है, क्योंकि उस तरफ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। बारिश में तो भगवान कुछ समय और, बस मुझे आधा घंटा दे दो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन भाई बारिश का कोई रोक नहीं है, देखते भी क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, हमको तो राइड जाना। बाय बाय बाय, रेनकोट भी नहीं लाया मैं, पूरा वाइजर में मतलब कि जो ग्लासेस सन ग्लासेस है और उसमें इतना गंदा बैठ गया कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेट्स गो। देखो भाई तो इतना खतरनाक विंड ब्लास्ट ना गाइस पूछो मत, नेक्स्ट लेवल। आगे बाजू पीछे सब जगह 360 डिग्री से हवा इतना जोर से, पता नहीं माइक में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। भाई भाई बाइक तो स्पीड में भी है, स्पीड में कितना 60 किलोमीटर पर आवर भाई, 7 की स्पीड से चल रहे फिर भी भाई इतना विंड ब्लास्ट है, नेक्स्ट लेवल पूछो मत। ऐसा ऐसा इंक्लाइन होके घर चलना पड़ रहा है। ये देखो गाइस नेक्स्ट लेवल पानी भरा है यहाँ पे। भाई भाई आराम से, भाई आराम से क्या कर रहा है। रुकना पड़ेगा कहीं, पना लेना पड़ेगा। भाई पूरा वैसा वसूल हो गया खाली इसका, और जो केसिंग लगाया ना भाई उसका पूरा वैसा वसूल हो गया। लेकिन मैं तो दिख चुका हूँ, देखो पता नहीं कितना दिख रहा है। ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, प्रकृति की आके सबको झुकना पड़ता है भाई। ठीक है थोड़ा सा शेड मिल गया ना, बारिश इतना ज़ोर से आने लगी ना पूछो मत भाई। 5 मिनट रुक जाता तो पहुँच जाता मेरा 8 मिनट में डेस्टिनेशन है। लगभग 8 घंटे तक भाई चलो अपना सेशन
और यहाँ का नज़ारा देख रहे हो। अब यहाँ से निकलते भाई, भीग तो काफ़ी गया था, पूरा दिन भर भीगा मैं, मतलब आने के टाइम पूरा एकदम फुल पैक भीग गया था। अभी गाड़ी देखो कुछ ऐसी लग रही है, और ऐसे कुछ मौसम भाई यहाँ पे आया हूँ, अब चलते हैं घर की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी की हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं गाइस आवाज़ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बारिश में गोप्रो भाई इतना भीग गया था ना, पूछो मत, जितना मैं नहीं भीगा था उतना गोप्रो भीग गया। यहाँ से निकलते हैं लगभग एक घंटा 21 मिनट घर की तरफ, और ड्रोन का दूसरा तीसरा चौथा तीसरा दिन हो चुका है भाई, हाँ तीसरा दिन हो चुका है ड्रोन का सर्टिफिकेशन का। सब प्रोसेस बताऊँगा मैं आपको आगे वाले वीडियो में, तब तक सर्टिफिकेशन पूरा इन डिटेल वीडियो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते वक्त गाइस ऊपर का पार्ट भीगा था, अब जाते वक्त भाई नीचे का पार्ट भीग रहा है, क्योंकि भाई सीट गीला हो गया है। कोई नहीं, क्या कर सकते इसमें भाई। गोप्रो को भाई, तो गाइस गोप्रो को भी ठंडी लग गई थी लगता है कि, तो गोप्रो भी भाई फ्रीज हो गया था। जैसे मैं भीगा था वैसे गोप्रो भी भीगा था, मतलब गोप्रो उससे ज़्यादा भीगा था क्योंकि सबसे सामने वही था। तो गाइस जहाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था वहाँ ट्रैफिक नहीं मिली, बट अब आगे देखना है, अगर यहाँ ट्रैफिक मिले तो हालत ख़राब हो जाना है। मेरे को इतना ज़ोर से नींद आ रहा है ना, पूछो मत। और अभी तक तो ठीक ही है भाई, तो अभी आगे चेंबूर ही है, चेंबूर की तरफ भी ट्रैफिक मिलने वाला है, मुझे इतना आश्वासन है अपने आप। मैं नसीब से गाइस मैंने पैनियर्स लगा के नहीं आया था, इतना कोने कोने में से निकाल ले रहा हूँ ना, मतलब जो लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस है ना भाई, दैट इनेबल्स, समझ रहे हो आप क्या बोलना चाहता हूँ। तो भाई नेक्स्ट लेवल वाला, गनीमत से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, पीछे ट्रैफिक था उसको तो कैसे ना कैसे डॉज कर लिया मैं। कोई उतर रहा है, उतर जाओ। देखते ही देखते रात हो गया गाइस, छोटा सा ब्रेक लिया था, चाय भाई पिया, अब निकल रहा यहाँ से भाई, जूता निकाल के थोड़ा सा रिलैक्सेशन आया है, सॉक्स निकाल दिया भाई, सुबह से गीले मोजे पहन के, गीले जूते पहन के दिमाग ख़राब हो गया था, नाउ फीलिंग वेरी कम्फर्टेबल। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ घर की तरफ, ठीक है, बारिश की थोड़ी थोड़ी मतलब आशंका है, बट मेरे को लगता नहीं कि होगी क्योंकि अभी जस्ट हुई, मैं रुका था वेट किया उसके बाद बारिश ख़त्म, और ठीक है होगी भी तो आई एम वेरी मच फुल्ली प्रिपेयर फ्रॉम मेंटली एंड फिजिकली, बिकॉज अब तो कुछ है ही नहीं भाई, अब बारिश चाहे जितनी ज़ोर से है, ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं करना है, अब मैंने बस भीगना है, लेकिन अब बारिश होगी ही नहीं, समझ रहे हो आप। एक बात बताता हूँ आपको, एडवेंचर बाइक का पैसा वसूली मतलब ये सीज़न में होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई जो खड्डे वड्डे होते हैं अचानक से आते हैं उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है, प्लस बारिश में भाई थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि भाई स्लिप नहीं होगी क्योंकि इसका मोटे मोटे टायर हैं भाई, यही गाड़ी का इसमें मज़ा है, ठीक है, ऑफ रोडिंग में बारिश में, ऑल सीज़न है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब गर्मी का सीज़न आता है ना इसकी हालत पंचर होने लगती है, क्यों, क्योंकि दिस इज़ एयर कूल्ड इंजन। अभी हाल फिलहाल में जो जिस सीज़न में गर्मी था ना भाई, नेक्स्ट लेवल वाला गर्मी था ये, मैंने सुना मैं दिल्ली में 52, यूपी में 45, 50, भाई साहब क्या ही गर्मी रहा यहाँ पे, यहाँ पे भी 40 गया था, लेकिन यहाँ पे कैसा कोस्टल है ना, मतलब कोस्टल इलाका है तो यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हुमस बोलते हैं जिसको भाई, वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है, झटके भी लगते हैं बट जो भपके लगते हैं वो खाली दिल्ली यूपी नॉर्थ साइड लगते हैं, ठीक है। तो मैं ओवरव्यू देता हूँ आप लोगों को, पता नहीं आवाज़ कैसे आ रहा है, थोड़ा बैर करना, बट ओवरव्यू देता हूँ आपको, ड्रोन जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है, 5 दिन का होता है, ठीक है, अभी आज तीसरा दिन था, पहला 2 दिन थियोरी था, मतलब कि ऑनलाइन सेशन था, कैसे क्या क्या करना है, फिर आज टेस्ट था और सिमुलेशन डे था। सिमुलेशन में क्या करते हैं भाई, फ्लाइट आपको कंप्यूटर में चलाना पड़ता है और थोड़ा बहुत असेंबली सिखाते हैं कि कैसे ड्रोन को बनाना है, क्या करना है, व्हाट टाइप्स, व्हाट थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड व्हाइल फ्लाइंग ड्रोन, और अगर आपको अपना खुद का ड्रोन बनाना है तो क्या क्या फैक्टर्स, थोड़े बहुत बेसिक्स। ये तो ठीक है, ये तीन दिन तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन जो मेन डे वो होने वाला है वो है कल और परसों, दैट इज़ 4th and 5th डे ऑफ सर्टिफिकेशन का। तो उसमें कैसा है, आपको प्रैक्टिकली आपको चला के उड़ा के दिखाना है, शेप्स बनाना है, मतलब कल आपको बताऊंगा मैं कैसे क्या होने वाला है। तो कल भी है सेशन, तो यहाँ पे नहीं है, करजत जाना है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, करजत जाएंगे, वहाँ पे सिमुलेशन करेंगे, मतलब कि फ़्लाइट असली में उड़ाएंगे, मतलब फ़्लाइट नहीं मतलब ड्रोन उड़ाएंगे, और आपको भी बताता हूँ मैं कैसे। और सुबह से बात कर ले किलोमीटर कितना चलाया मैंने, तो 57 किलोमीटर, मोर 14 किलोमीटर टू गो घर के लिए, तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 10 से 7, और
हाँ 70 के ऊपर हो जाएगा, 35 किलोमीटर था तो दोनों से जॉब कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर और 25 किलोमीटर मान के चलो 75 किलोमीटर आस पास और ठीक है। अब पता नहीं बीच में लोगों को क्या होता है भाई, हाई बीम पे गाड़ी चलाने लगते चाहे फोर व्हीलर हो या चाहे टू व्हीलर हो, पता नहीं क्या होता है उनको। सिटी में यहाँ हाईवे पे होता तो एक बार मैं समझ सकता था कि हाईवे पे थोड़ा ज़रूरत होता है, लेकिन सिटी में भी, सिटी में थोड़ा बहुत तो लाइट रहता ही है ठीक है। तो कभी कभी हॉर्न की भी, कभी कभी हॉर्न की भी इतनी ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसा लगता है मैंने काफ़ी अच्छा काम किया कि इसमें अच्छा वाला हॉर्न लगवा दिया, बोश का हॉर्न लगवाया जो स्कोडा और वेंटो में लगता है ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मेरे को इसमें ना कुछ चेन में गड़गड़ाहट महसूस हो रहा है, समथिंग चेन लूज हो गया है कि चेन में कचरा है, क्या कर रहा है भाई। बारिश में ये काम सही होता है कि जो मिट्टी उड़ के आँख में जाता है वो भाई नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी पूरा दब जाता है, लेकिन जो मिट्टी वही जो कीचड़ बन जाता है वही अपने अपने ऊपर आता है। तो ठीक है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, दिस इज़ लाइफ।